कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के बाद आया जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा के बाद आएगा वाइटलाइन मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्पर्म का जर्नी जो है, जब एक के नजदीक पहुंचेगा सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलिसुडा, देन वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंटर हो जाएगा वो स्पर्म। सो दिस इज द, दीज आर द माइलस्टोन्स ऑफ द स्पर्म व्हेन दे रीच नियर द एग। तो हम कहा क्यों ये बताया, क्योंकि फर्टिलाइजिंग जो है वो क्लोज विसिनिटी में, जब वो फर्टिलाइजिंग कहां पर है, जोना पेलिसुडा में है, और फर्टिलाइजिंग इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो जोना पेलिसुडा के नजदीक आएगा तब ना, और एंटी फर्टिलाइजिंग कहां है, स्पर्म हेड पर, तो क्लोज विसिनिटी में ये काम करता है। तो ज्यादा दूर के लिए इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, बट एन एक्चुअल एविडेंस ऑफ केमिकल अट्रैक्शन इज लैकिंग। दूर से लॉन्ग डिस्टेंस अट्रैक्शन जो है स्पर्म और ओवन का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। देन ये क्लोज दे, देन एनकाउंटर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा ऑफ सी अर्चिन इज ब्राउट अबाउट बाय स्विमिंग मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। तो कैसे होता है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द चांस, लक और चांस। Their movements are at random, चारों दिशा में मूव करने का कोशिश करेगा, जिधर उसको फेवरेबल मिलेगा। पेरिस्टेटिक मूवमेंट ऑफ द यूटेरस भी होगा साथ साथ, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। Their movements are at random and the spermatozoa collide with the egg as a matter of pure chance. This applies to for most of them animals. However, in certain cases, the chemical secretion from eggs serves to trap spermatozoa that accidentally enter their field of influence and are guided towards the egg. Okay. For example, in two species of colonial hydroid, Campanularia, colonial hydroid जो है example दिया ये कि किसी किसी में हमको देखने को मिलता है कि chemical secretion from eggs जो है, egg से कुछ chemical secretion निकला, वो स्पर्मेटो जो कि थोड़ा लॉन्ग रेंज में काम करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजिंग जो है वो शॉर्ट रेंज का है, लॉन्ग रेंज का अभी तक एविडेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ एनिमल्स में देखा गया है जो लोअर, ये कैंपानुलेरिया क्या है, ये हाइड्रोइड क्लास से बिलोंग करता है, ऑफ द फाइलम निडेरिया, लोअर इनवर्टिब्रेट है, निडेरिया है। तो इसमें जो है, तो यह जो केमिकल है एक तरह से इंग्रेडिएंट बना लेता, कहीं से अगर कोई केमिकल रिलीज होगा तो उसके सोर्स से जितना दूर जाए होगा वो उधर उसकी तरफ उसका जो ग्रेडिएंट है वो एक ग्रेडिएंट मेंटेन होगा। जैसे लाइट, अगर कहीं बल्ब जल रहा है तो बल्ब के नजदीक ज्यादा रोशनी है, दूर में कम रोशनी, तो जहां से निकल रहा है ये केमिकल वहां पर उसका मात्रा ज्यादा है और दूर में कम है, तो एक तरह का ग्रेडियंट है। तो टुवार्ड्स द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल वो स्पर्म जो है अट्रैक्ट होता है कैंपानुलेरिया में, वेयर द सेल्स ऑफ थीका प्रेजेंट नियर द गोनाडियम प्रोड्यूस स्पर्म अट्रैक्टिंग रिएजेंट सिमिलरली। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं। अब देख लो, तो मोटा मोटी इसमें आप क्या समझे कि केमिकल अट्रैक्शन ओवर लॉन्ग रेंज इज नॉट इविडेंट टिल नाउ, अभी तक पता नहीं चला। हो सकता होगा एनिमल किंगडम इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, हर रोज नया नया स्पीसीज का खोज होते रहता है। सो आपको क्या जरूरत है फिर, अगर लॉन्ग रेंज में नहीं है उसको नजदीक लाने के लिए, तो क्या हमको मैकेनिकली दोनों को लाना पड़ेगा, जक्स्ट्रापोज करना पड़ेगा गैमिट को, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को? तो दो तरह का है फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो दोनों में अलग अलग तरह का मैकेनिज्म है। टू फैसिलिटेट एन इजी एनकाउंटर ऑफ द स्पर्म एंड ओवम स्पेशल डिवाइसेस, दोनों का एनकाउंटर हो इसलिए स्पेशल डिवाइसेस आर सीन इन एनिमल्स विद एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिवाइस मिला, जैसे क्लोका है, क्लोका से ही आया एक बाहर, और स्पर्म भी मेल में, मेल इंडिविजुअल में जो क्लोका था उससे स्पर्म आया, फीमेल में क्लोका से एक आया, और यूटराइन चैम्बर में एक स्टोर्ड है। सो दीज आर द फॉर्म्स। तो इन मरीन एनिमल्स लाइक सी अर्चिन, क्यों सी अर्चिन का जिक्र आप लोग बार बार डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ोगे क्योंकि सी अर्चिन जो है काफी वेल स्टडीड है इसका डेवलपमेंट एंड गैमिट बायोलॉजी। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज एन इनवर्टिब्रेट एंड मरीन इन नेचर, मरीन ड्वेलिंग। ए लार्ज नंबर ऑफ सेक्सुअली मैच्योर मेल्स एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर एग्स एंड स्पर्म्स इन सी वाटर इन क्लोज विसिनिटी एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक ही स्थान पर एकदम नजदीक नजदीक, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्वेटिक पानी है पूरा चारों तरफ, नहीं जल्दी करेगा तो बाहर बह जाएगा। तो एक ही समय पर एक ही जगह पर वो जो है एग और स्पर्म जो है सी वाटर में डिस्चार्ज कर देता है मेल और फीमेल इंडिविजुअल, जिसकी वजह से एक क्लाउड बन जाता है स्पर्म और एग का, टू इंश्योर द मास फर्टिलाइजेशन। मास फर्टिलाइजेशन होगा, थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर देयर एंड थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पर्म्स आर ऑल्सो देयर, तो मास फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी एक एग का एनकाउंटर बहुत सारे स्पर्म के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे एग का एनकाउंटर बहुत सारे स्पर्म के साथ हो रहा है, बहुत सारा एग है बहुत सारा स्पर्म है, तो यह जो है मास फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मास फर्टिलाइजेशन आप लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ही देखेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मास फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो सिंस द लाइफ स्पैन ऑफ द, और मास फर्टिलाइजेशन आप जहां सूडो पॉपुलेशन होता है उसमें भी देखेंगे, सिंस द लाइफ स्पैन ऑफ द गैमिट्स डिस्चार्ज इन द सी वाटर इज जस्ट ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स, पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे वाले केस में जो मेल गैमिट होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। द डिस्चार्ज ऑफ ओवा एंड स्पर्म एट द सेम टाइम इज एसेंशियल, ठीक है, इन फिशेस, यानी जिसमें जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी फिश में, ठीक है, कैसे वाले फिश, ऑस्टिच फिश, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, लिस एम्फीबियंस जो मॉडर्न क्लास ऑफ एम्फीबिया है, एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो फ्रेश वाटर है जैसे सम मोलस्क, पाइला, पाइला इज फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट। द लाइफ स्पर्म ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज रिड्यूस टू ए फ्यू मिनट्स, बता चुके हैं सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लाइफ स्पर्म ऑफ स्पर्म जो है थोड़े ही समय का होता है। देयरफॉर द स्पर्म इज डिस्चार्ज डायरेक्टली ऑन द ओवा, ओवा के ऊपर ही डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाता है। जहां पर स्पर्म का लाइफ ज्यादा है वो थोड़ा सा ट्रेवल करता है, यानी जेनिटल ट्रैक में ट्रेवल करता है, यानी वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पर लाइफ ऑफ द स्पर्म इज लेस, सो डायरेक्टली ओवा के ऊपर ही एक स्पर्म डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इसको, इस प्रकार का एनिमल्स जो है उसको हम जो एग्जिबिट कर रही है, प्रोसेस जो है स्यूडो कॉपुलेशन के थ्रू होता है, एंड दीज एनिमल्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर एंड वी फाउंड स्यूडो कॉपुले, जिसमें जिसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा सब में स्यूडो कॉपुलेशन होगा, ये नियम याद रख लो आप लोग। स्यूडो कॉपुलेशन, एक तो कॉपुलेशन हुआ यानी रियल कॉपुलेशन, कॉपुलेशन रियल कॉपुलेशन मींस बॉडी टू बॉडी कॉन्टेक्ट हुआ एंड पार्ट ऑफ ए बॉडी, ओके, ये कॉपुलेशन देखा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में, यानी पार्ट ऑफ ए बॉडी, ए ऑर्गन, एन ऑर्गन ऑफ ए बॉडी पर्टिकुलरली ए मेल बॉडी विल बी इंसर्टेड इन टू द फीमेल बॉडी एंड देन द ट्रांसफरिंग ऑफ द स्पर्म विल टेक प्लेस, सो दैट इज द कॉपुलेशन। But in the case of pseudocopulation, male and female body will come closer, they will attach to each other, but no other organ, no any organ from the male body will be inserted in the female body. It will look like that they are mating, in fact they are mating, but they are not copulating, they are mating but not copulating. So this is called a pseudocopulation. तो ये frog में देखा जाता है pseudocopulation, जहां जहां external fertilization, and this is an example of
स्यूडो कोपलेशन इन विच सेम स्पीसीज आर इन्वॉल्व, यानी फ्रॉग का फ्रॉग के साथ फर्टिलाइज, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के साथ स्यूडो कोपलेट कर रहा है, यानी सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन सेम स्पीसीज। स्यूडो कोपलेशन अगर आप पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में तो आपको इंसेक्ट और फ्लावर के बीच में भी होता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, फ्लावर क्या है, प्लांट का पार्ट है, डिफरेंट स्पीसीज है, एंड इंसेक्ट जो है एनिमल है, डिफरेंट स्पीसीज है। तो इंसेक्ट और प्लांट के बीच में कोपलेशन कैसे हो सकता है, तो इसीलिए इसको स्यूडो कोपलेशन बोले। तो यहां पर क्या होता है कि दे आर नॉट फर्टिलाइजिंग विथ ईच अदर, तो डिफरेंट स्पीसीज दे आर नॉट फर्टिलाइजिंग विथ ईच अदर, बट इंस्टीड दे आर हेल्पिंग इन फर्टिलाइजिंग द अदर वन। कैसे, कुछ फ्लावर्स आप देखोगे, बहुत सारे फ्लावर अलग अलग तरह के, हजारों वेराइटी के फूल हैं, रंग बिरंगे चटक सब में, और फ्लावर के आप एंड्रूसियम गाइनूसियम के बेस पर आप देखोगे चटक लाल रंग, कुछ डार्क कलर रहेगा, कॉन्ट्रास्ट रहेगा, एंड दैट कलर मिमिक द फीमेल इंसेक्ट। तो फीमेल फ्लावर का कुछ पोर्शन जो है बेसल पोर्शन दे मिमिक द फीमेल इंसेक्ट, सो द मेल इंसेक्ट कम and that male insect think that this is a female insect, so it goes over that area, and in this process the pollen grain attached to the appendages of that insect, and when this insect goes to another flower of the same species, okay, which are having the female reproductive system, yani gynoecium hai uska stigma hai, us par agar baith gaya to pollen grain transfer ho jayega, to yahan par this process is also called as pseudo copulation, लेकिन different species है, दोनों के बीच में fertilization नहीं हो रहा है, plant का pollination हो रहा है इसके through, insect को धोखा हो रहा है कि हमारा female फूल के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि फूल ने उसका नीचे में mimic कर लिया कि आपका female बैठा हुआ, उसका रंग और color को mimic करके, ठीक है, तो male attract हुआ, वहाँ से pollen grain उठा के दूसरा फूल पर लेके चला गया, तो यहाँ दिस इज ऑल्सो स्यूडो कोपलेशन, बट इन डिफरेंट स्यूडो कोपलेशन इन एम्फीबियन फ्रॉग के केस में बिटवीन द इज हैपनिंग बिटवीन द सेम स्पीसीज, और यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन वहां पर प्लांट और इंसेक्ट के केस में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है आपस में दोनों का, ठीक है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। इतना ढीला क्यों, तुम नींद में क्या बोर हो रहे हो क्या, ब्रेक चाहिए? नहीं सर। नो सर, नो सर, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक थोड़ा वास्ट है। चलिए म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना, फिर अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन ऑफ गैमिट्स हम देख पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्यूडो कोपलेशन के थ्रू होता है, बट इन द फॉर्म्स विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े थे, अभी फिर बताया है कि कोपलेशन प्रोसेस हुआ जहां पर देयर इज एन ऑर्गन द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन एंड दिस इज नॉन एज पेनिस ऑल्सो, and the internal fertilization is found mostly in terrestrial forms, जो land dwelling animals हैं उनमें internal fertilization की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि sperm जब release होगा तो अगर aquatic medium नहीं मिले, अगर sperm release होगा aquatic medium नहीं मिलेगा उसको, तो वो क्या होगा, semen will dry out and it will die quickly, dry होने के बाद die कर जाए, तो फिर इसको लैंड वाले एनिमल के लिए क्या है, बाहर एक्सटर्नल करेगा तो सीमेन जो है खराब हो जाएगा, ओके, इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन नॉट वेट लॉन्गर फॉर द फीमेल टू कम ओवर देयर एंड रिसीव दैट गैमिट, सो मेल इज डायरेक्टली इंसर्टिंग विथ इट्स ऑर्गन, ओके, एंड गिविंग द semen, and inside that semen sperm is present in the female, giving that semen in the female genital tract. So internal fertilization is seen mostly in terrestrial forms. In then the spermatic fluid is semen is delivered in the genital tract of the female by insertion of a specialized sexual appendage,
सेक्सुअल अपेंडेज है दैट एक्ट्स एज एन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन. दिस ऑर्गन इज नोन एज पेनिस एंड द फेनोमेनन ऑफ स्पर्म डिपोजिशन इज कॉल्ड इनसेमिनेशन. द इनसेमिनेशन यानी इनसेमिनेशन हुआ. इनसेमिनेशन होने की किसके द्वारा हुआ? द इनसेमिनेशन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एम्ब्रेस. एम्ब्रेस क्या हुआ? यानी दोनों का बॉडी जो है आपस में मिला. एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉपुलेशन और क्वाइटस. एंड वी सी दिस फेनोमेनन इन किसमें देखने को मिलता है? जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें फिर क्वाइटस होने की जरूरत पड़ेगी. अगर क्वाइटस नहीं होगा तो कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा? अनलेस एंड अनटिल, अब तो आजकल बिना क्वाइटस हुए ही आर्टिफिशियल इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कर दिया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप सुने होंगे, काओ का, बफेलो का, या इन द केस ऑफ ह्यूमन ऑल्सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. किसी को बच्चा नहीं हो रहा है कुछ पर, तो उसका स्पर्म को लेकर के इनोकुलेट कर देगा. वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, कोपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ी. बट दैट वाज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस नहीं था. ओके, माइंड मेड प्रोसेस है, बट द नेचुरल प्रोसेस क्या है? इन दैट द कोपुलेटरी ऑर्गन विल बी रिक्वायर्ड. सो दिस टाइप ऑफ द फेनोमेनन वी सी इन द एनिमल्स विच एग्जिबिट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स and insects. Okay? Reptile से पहले क्या था? Amphibia था, Pisces थे and lower chordates and उसके पहले invertebrates. तो उस सब में हम लोग क्या देख रहे थे? Internal fertilization. Sorry, external fertilization. लेकिन invertebrates में एक exception है, जैसे कि insect, इसमें external fertilization होता है. और इसका एक भी जो है सेंट्रोलिसिथल है, लार्ज अमाउंट ऑफ योग होता है इन सम एम्फीबियंस. अब आया ये इस वाली बात पर, उल्टा वाली बात. यहां पर सीधा वाला बात हो गया, यानी इस सब में कोपुलेशन होता है. अब इसमें इन सम नहीं नहीं ये भी सीधा वाला ही बात है. अब इसमें भी एक्सेप्शन है, यानी कि लोअर एनिमल्स में भी देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि इंसेक्ट था, बट इन सम एम्फीबियंस ऑल्सो and in some gastropods also. Gastropod क्या है? Gastropod is a class of mollusca. Cephalopod भी class of mollusca है. Cephalopod जिसमें octopus वगैरह आता है ना. Gastropods, cephalopods और turbellarians, trematodes and cystodes, ये तीनों जो है ये सब platyhelminthes का class. Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes, gastropod जो mollusca है, amphibia जो है वो chordata phylum का है. ये सब पता होगा आप लोगों. Platyhelminthes में आप लोग पढ़े होंगे flatworm, worm वगैरह, ये सब parasitic in nature होते हैं. Parasite intestine में मिलता है, पेट का कीड़ा जो होता है वो ये सब है. ठीक है, तो ये सब में जो है fertilization जो है internal है, क्योंकि ये पैरासिटिक है, ये नॉन डेवलप हो गया है स्पेशलाइज. तो इसमें भी लोअर एनिमल्स है बट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. द स्पर्म आर रिसीव्ड इन ए इंटरनल बट स्पर्म आर रिसीव्ड इन ए स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिकल आफ्टर कोपुलेशन. ठीक है, कोपुलेशन के बाद फीमेल के अंदर ये स्पेशलाइज रिसेप्टिकल में रिसीव हो गया, वहां स्टोर कर लिया. जब ओव्यूलेशन होगा उस समय स्पर्म से उसको अपने आप फर्टिलाइज कर लेगा अपना. ठीक है, सो इन मेजोरिटी ऑफ द फॉर्म्स द एनकाउंटर ऑफ एग एंड स्पर्म अकर्स इन अपर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ये भी पता है आपको, एग निकल के आया, अपर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्या है? एग निकल के आया तो जैसे ही ओवरी के बाद जब एग आएगा तो वो अपर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कहलाएगा, यानी फेलोपियन ट्यूब. कंफ्यूज मत होना, ओविडक्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज नॉट द अपर पार्ट. अपर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज द पार्ट एडजेसेंट टू द ओवरी. सो इन दैट पार्ट एग इज कलेक्टेड, अपर पार्ट. हाउएवर इन सम विविपेरस फीसेस, हम क्या बता रहे थे, फीसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, बट दैट सम ऑफ द फीसेस कैन बी ओविपेरस एंड सम ऑफ द फीसेस कैन बी विविपेरस. एंड सर्टेन यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स मतलब प्लासेंटा जिसमें है, यानी
कुत्ता घोड़ा बकरी आदि बंदर भालू सब। हाउएवर सम विविपेरस फिश यानी बच्चा देने वाली मछलियां, कौन मछलियां हैं, जैसे शार्क और सर्टेन यूथेरियन मैमल्स, प्लासेंटा वाले मैमल्स, इट इज अकॉम्प्लिश्ड इनसाइड द ओवेरियन फॉलिकल्स। यानी कुछ मैमल्स, यहां पर फिर एक्सेप्शन है, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ही ओवरी है, यानी ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है। ओव्यूलेशन होगा तो फॉलिकल से बाहर आएगा, यानी बिफोर द ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग। कुछ में होता है, आप लोग पता करो कि किस में होता है, सीप में होता है, हॉर्स में होता है, ठीक है, मैमल्स में। यानी फॉलिकल से बाहर आने से पहले ही उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। The sperm are deposited in the vagina and from there and transported to uterus by the contraction. So mechanism basically same है सब में, इसमें जहां भी ये internal fertilization हो रहा है, sperm कहाँ हो रहा है, पहले vagina में deposit हो रहा है और वहां से uterus में transport हो रहा है। एक तो उसका खुद भी contractile motion of the sperm tail and contraction of the uterine wall, दोनों के combination से ये मूव करेगा। सो ये अभी तक पहला ही चल रहा है, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा में क्या हम लोग पढ़ लिए पहले, केमिकल अट्रैक्शन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कीमोटेक्सिस से पता लगा हमें कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ऐसा हो सकता है। फर्टिलाइजेशन का जिक्र किया, बट फर्टिलाइजिन इज शॉर्ट एक्ट, मतलब शॉर्ट फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन इज लोकल, शॉर्ट डिस्टेंस में होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होगा, ओके। और उसके बाद उसको नजदीक लाने के लिए फिर एक मैकेनिकल ऑर्गन का भी सहारा लिया। एंड यह सब हम किसमें देखे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सुडो पॉपुलेशन से भी हो गया और पॉपुलेशन से हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इंट्रोमिटेंट ऑर्गन ने हेल्प किया। बट इन सम एनिमल्स, पर्टिकुलर इन लोअर इनवर्टिब्रेट, देयर आर स्पेशल डिवाइसेज और ऑर्गन्स प्रेजेंट आल्सो टू ब्रिंग टुगेदर द एग्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। Number of other to bring together the eggs and spermatozoa, number of other devices have been encountered in the animal kingdom, in spiders and crustaceans. क्या हो गया, spiders and crustaceans, arthropods. A forelimb or palp in a male is modified for transferring semen into genital opening of the female. यानी एक हाथ जो है उसका forelimb जो है modify हो गया और उस फोरलिम में ओपनिंग है, जेनाइटल ओपनिंग है, एंड फ्रॉम दैट ओपनिंग स्पर्म विल बी रिलीज्ड इनटू द फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। यानी एक हाथ से उसका स्पर्म निकल रहा है और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग में प्रवेश कर जा रहा है। किसमें देख रहे हैं, स्पाइडर्स एंड क्रस्टेशियंस। इन सिफेलोपोड्स यानी मोलस्क, ये हो गया ऑक्टोपस, सिफेलोपोड्स, वन ऑफ द आर्म इज मॉडिफाइड फॉर होल्डिंग स्पर्मेटोफोर्स। बहुत सारा आर्म है, तीसरा आर्म जो है बेसिकली पर्टिकुलर आर्म है, थर्ड राइट आर्म इज मॉडिफाइड फॉर होल्डिंग स्पर्मेटोफोर्स एंड ट्रांसफरिंग देम इनटू द फीमेल्स। इसमें स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, उसी में स्पर्म बना और उसी स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है। सच ए स्पेशलाइज्ड आर्म इज नोन एज हेटरोकोटिलाइज्ड आर्म और हेटरोकोटिलस। कोपुलेशन इन ऑक्टोपसेस इन्वॉल्व्स द मेल इंसर्टिंग हिज हेटरोकोटिलस आर्म, थर्ड राइट आर्म जो है, इनटू द मेंटल कैविटी ऑफ द फीमेल अलोंग विद द स्पर्मेटोफोर्स आर कन्वेड। डायरेक्ट उसके कैविटी में डाल के स्पर्मेटोफोर घुसा दिया और स्पर्मेटोफोर से स्पर्मेटोसाइट्स निकल के उसके मेंटल कैविटी में चला जाता है। बट इन अदर केस लाइक इन पेरीपेटोप्सिस, ये निमेटोडा है, निमेटोड नहीं, ये मेटाजोआ है, पेरीपेटोप्सिस, द स्पर्मेटोफोर्स आर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी।
तो ये सब इंटरेस्टिंग केस है। आप देख सकते हो कि एनिमल किंगडम में अलग अलग तरह का केस मिल रहा है। मैमल में क्या मिला, फिश में कैसा मिला, एम्फीबिया में कैसा मिला, मैमल में कैसा देखने को मिल रहा है, और फिर देखो यहाँ पर मेटाजोआ में कैसा मिला है, सिफेलोपोड्स में कैसा मिल रहा है, कर रहा है, सब में अलग अलग तरह का पॉपुलेशन का प्रकार है। इसमें देखिए हेटरोकोटिलाइज आर्म है सिफेलोपोड में। पेरीपेटोप्सिस यानी ये मेटाजोआ है, इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोफोर्स आर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पर्मेटोफोर्स फोर्स जो है रिलीज हुआ आपका मेल से और बॉडी वाल में, पूरे बॉडी में कहीं भी जाकर के चिपक गया। किसमें, पेरीपेटोप्सिस के बॉडी में कहीं पर भी जाकर चिपक जाएगा, किस जी जहां पर भी वो चिपकेगा वहां पर द स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड ऑन कॉन्टेक्ट। चिपकने के बाद स्पर्मेटोजोआ रिलीज होके बॉडी वाल को पेनिट्रेट करके वो बॉडी टिश्यू में चला गया, कनेक्टिव टिश्यू से फिर ब्लड वेसल पहुंच के फिर वो ओवरी तक पहुंच जाता है। देखो कितना मॉडिफाइड सिंपल टाइप, बॉडी वाल में स्पर्मेटोफोर के अंदर स्पर्मेटोसाइट्स है, ये स्पर्मेटोफोर है। ये फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला फिगर, इज इट क्लियर? यस सर। ये फिगर, यस सर। ये जो है आपका स्पर्मेटोफोर है, दिस ब्लैक बॉडी इज स्पर्मेटोफोर, एंड इनसाइड द स्पर्मेटोफोर देयर आर सेवरल स्पर्मेटोजोआ व्हिच आर प्रेजेंट, एंड दिस इज SW, SW इज स्पर्मेटोफोरोटिक वॉल, स्पर्मेटोफोर का वॉल है। स्पर्मेटोफोर एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपका स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोसाइट इज अटैच्ड टू द बॉडी वॉल, तो जहां पर इस बॉडी वॉल पर अटैच्ड जहां पर ये होगा वहां पर एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी यहां एक फुंसी जैसा उसका निकल गया। ये स्पर्मेटोफोर आया मेल से स्पर्मेटोफोर आया बॉडी वॉल पर चिपका, जब चिपक गया, चिपकने के बाद ये इवेंट हो रहा है, बहुत सारा फोटो है इसमें, हम सब नहीं लगा। चिपकने के बाद क्या हुआ, एक फुंसी जैसा निकला, एक पेपुला जैसा, ये दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, एंड इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट दीज आर द ल्यूकोसाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट। ओके, यहां पर मैंने लिख दिया है कौन कौन, शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म कर दिया है, एस से स्पर्मेटोफोर, दिस इज स्पर्मेटोफोर, SW इज स्पर्मेटोफोर वॉल, LP is a leukocyte containing pigment granules from ingested ectodermal. B is a blister below spermatophores filled with the leukocytes. This is the blister, यानी जो फुंसी जैसा बोल रहे थे वो उठ गया, spermatocyte के नीचे blister formation हुआ, उसमें leukocyte आता है, and CR, cuticle raised up from the ectoderm below, ये है CR, cuticle. ये ब्लिस्टर का ऊपर का ER है, ये एक्टोडर्म लेयर है, ठीक है। तो ये आप समझ लो मोटा मोटी, यही पढ़ लेना, ये सब ये मसल है ये सब। तो कहने का मतलब हुआ इसके बाद ये यहां से रप्चर करके यहां से ये जो ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है बहुत सारा, ये यहाँ ये सब स्पर्म है, स्पर्म हेड्स है, स्पर्म हेड विल एंटर, ये रप्चर करके इन ये ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट से फिर ये बॉडी वॉल को पेनिट्रेट करके कनेक्टिव टिश्यू लेयर में आएगा, कनेक्टिव टिश्यू लेयर को पेनिट्रेट करके ये वैस्कुलर टिश्यू लेयर में आएगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, यहाँ पर वेसल्स आर देयर, एंड फ्रॉम देयर इट विल बी माइग्रेटेड टू द ओवरी। क्लियर है, सिंपल है ये सब? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हो गया क्या सर, भूख लग रहा है क्या? चलो यहाँ यहाँ के बाद ब्रेक दे देंगे, ठीक है। ये लाइन खत्म, ब्रेक चाहिए? कितना टाइम ब्रेक चाहिए? ठीक है, ब्रेक कर लेंगे। स्पर्मेटोजोआ रिलीज ऑन कॉन्टेक्ट पेनिट्रेट द बॉडी वॉल and make their way through the body tissue to reach the ovary. In some animals, spermatozoa
आर रिलीज इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड एज स्पर्मेटोजुगमाटा। नाम सुने होगे स्पर्मेटोजुगमाटा, यानी स्पर्मेटोजुगमाटा एक क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स। और ये स्पर्म के चारों तरफ कोई सीथ नहीं होता है, कोई वेसिकल नहीं है। स्पर्मेटोजुगमाटा इज जस्ट कलेक्शन ऑफ स्पर्म हेड्स। स्पर्म हेड जो है, बहुत सारा स्पर्म का हेड जो है इकट्ठा होकर के क्लंब का फॉर्मेशन कर लिया, एक ग्रुप का फॉर्मेशन है, ग्रुप ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजुगमाटा। ये कुछ एनिमल्स में होता है, जैसे फिश में भी देखने को मिलता है हमको, इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है ये बेसिकली। ठीक है, चलो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं। हेलो, यस सर, और हम लोग एक घंटे के बाद फिर से मिलते हैं, ठीक है? यस सर, ओके सर, ओके, चलो, बाय बाय, थैंक यू सर। एक घंटा बाद यानी 12:30 बजे, ओके सर, ओके सर। हाँ, क्या बात है, बोलो। ओवम और ओवा एंड ओवम ट्रांसपोर्ट का ना पीडीएफ नहीं मिला है। हाँ, अभी हम अभी पूरा नोट भी नहीं बनाया है, एक पीडीएफ हम सेंड किए थे, अभी हम नोट और भी बनाएंगे उसका। क्लास में हम ऐसे ही पढ़ा दिए थे, मतलब मैंने, मेरे दिमाग में है, लेकिन वो नोट के फॉर्म में वो नहीं था, तो वो मैं नोट में डाल दूंगा। अभी फिलहाल चूंकि आगे बढ़ना था तो फर्टिलाइजेशन का मैंने नोट बना लिया, उससे एक टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा तो उसका